इससे पहले मुंबई में एक राउंड एनसीपी की भी बैठक हुई है। बैठक के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि वो कांग्रेस के फैसले का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही अपना निर्णय लेंगे। कांग्रेस के साथ आए बिना कोई विकल्प नहीं बन सकता है, इसलिए कांग्रेस का फैसला होते ही हम अपना फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में पर्यायी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हुई। हमने 2 घंटा चर्चा की और हमने प्रतीक्षा की कि कांग्रेस के CWC में क्या निर्णय हो रहा है। हमें जानकारी मिली कि कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि 4 बजे महाराष्ट्र के जो उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके साथ पुनः चर्चा करके वे निर्णय लेने वाले हैं। तब तक हमने अपना निर्णय नहीं किया है। कांग्रेस के निर्णय के बाद हम साथ में बैठेंगे और उसके बाद हमारा निर्णय पर्यायी सरकार बनाने के लिए होगा। जब तक कांग्रेस का निर्णय नहीं होता हमारा कोई निर्णय हम लेने वाले नहीं है। पवार साहब ने पहले ऐलान किया था कि हम विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के गठबंधन में हमने लड़ा है और हमारा जो भी निर्णय होगा वो कांग्रेस से बात करके निर्णय लेंगे। जब तक कांग्रेस का निर्णय नहीं हो जाता तब तक NCP का निर्णय नहीं होगा। महाराष्ट्र में पर्यायी सरकार बनाने की कवायद शुरू। पर्यायी सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं 3 पार्टियों के साथ में आए बिना कोई पर्याय नहीं बन सकता। कांग्रेस का निर्णय जो होगा उसी के साथ हम अपना निर्णय करेंगे, इसकी घोषणा हमने पहले भी की थी। 4 बजे कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठ रही है, उनका निर्णय होते ही हमारा निर्णय